222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेष अधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मैं अपनी बात तो कह सकती हूँ, पुरानी बात भी हमारी अधूरी रह गई। महोदय, मैं जो कहना चाहती हूँ आप सुनिए। आपका नो नहीं, मैं दे रहा हूँ व्यवस्था, आप नहीं, आप मत बोलो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। मैं देश के लिए जो करती हूँ बस मैं उतना कहना चाहती हूँ कि मैंने 27/11/2019 को SPG बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया। फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ। कर दो, जो करना है करो। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। आप अपने बयान पे कायम रहेंगे सर? माफी, जिस तरह से मांगी है साथ भी आ रही सर्टिफाइड।